खाना खा रही है। हाँ कर दो जरा। हमारा टिफिन टिफिन खा जाए। टिफिन और तैयारी हो गई हमारे स्कूल की संस्था की। पूरे बैग बैग तैयार हो गए स्कूल संस्थान। रास्ता हमारे दिन रखा है। बहुत अच्छा लगता है ये वाले रास्ते पे। अभी संस्था से आई हूँ और चेंज किए मैंने सूट, और उसके बाद अब मुझे घर का काम और करना है। घर का काम मुझे झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाती हूँ। और उसके बाद सोच रही पोछे भी दे देती हूँ। एक दो दिन की आड़ में देना ही पड़ते हैं। घर में कोई नहीं दिखेगा। अंधेरा छाया में अकेले रहो तो वो भी लगता है, पर क्या करे, फैमिली छोटी है तो क्या करे, सबको जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। झाड़ू देती जाती हूँ और उसके बाद में मैं आप लोगों को बातें करती जाती हूँ। मेरे घर में सामान बहुत दिखता है, क्योंकि घर छोटा होने की वजह से सामान ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ये हमने बनाया है वो भी छोटा ही है, यानी साइज तो वही है प्लाट की, इसकी वजह से। और पैरदान हमको बहुत रखना पड़ते हैं। पैरदान दिखते होंगे आपको वीडियो में। ये पैरदान यहाँ पे भी रखना पड़ता है, क्योंकि क्या टाइल्स खिसलने वाली टाइल्स है। और जिसको जो आदत पड़ जाती है पड़ जाती है, टावल भी रखने की आदत पड़, मैं तो चले जाती हूँ, निकल जाती हूँ मैं तो मेरे टाइम से संस्थान में। और अभी हुई है आफ्टरनून के, समझो 1:30 चौक पर हो गई, समथिंग 1:45 हो रही है। ये मैंने तीसरी बार की झाड़ू देवा रही है। मेरे हस्बैंड भी दे देते हैं सवेरे, जल्दी जल्दी रहते तो वो भी दे देते हैं। उसके बाद में एक बार और 9 बजे दे देते हैं। उसके बाद फिर मैं आती हूँ, फिर मेरे देते हैं। चलो बने रहना ब्लॉग में, आगे आगे देखना। इसके पोछे में थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, सर्फ भी डालती हूँ, थोड़ा सा और फिनाइल भी डालती हूँ। फिर किसकी यहाँ काकरोच हो रही है। यहाँ बहुत काकरोच हो रही है, इतना काकरोच हो रही है कि बस निकले। बहुत काकरोच हो रही भी डालो तो भी ऐसे ही होते हैं। सारे पोछे भी बस मैं पैर डाल का दे दूंगी कि बस छुट्टी।
बाकी ऊपर तक भी दे दिया था हमने, चढ़ाओ के भी देख लिया कुछ। पर यहाँ हम कपड़े डाल देते सुखाने के लिए, ऊपर तीसरी पे कौन जाएगा, ये तो 2 मंजिल पर तो टावर है, ऊपर वहाँ जाना पड़ता है और पूरी साफ सफाई करती है। चलो आगे ब्लॉग में बनी रहना, ठीक है। अब मैं सोच रही मैं रोड डालूँगी ब्लॉग, कोशिश करूँगी। चलो आगे आगे हमारी जर्नी देखते रहना आप लोग। गर्म हो गया है, अब मुझे करना है दूध गर्म और साथ में मैं सेकूंगी पॉपकॉर्न। किसको पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको मैं कैसे सेकूंगी बताना, देखना बताना देखना आप लोग कैसे सेकूंगी, ठीक है। सेकूंगी तो गैस पे, वैसे ये ज़्यादातर चूल्हे पे एक नंबर लगती है। और जो पहले पुराने ज़माने में कोयले की सिगड़ी आती थी, पुराने नहीं ज़्यादा समय नहीं होता, अभी भी सेकती कोई। अभी मैं एक स्टैंड लाती हूँ, इस पर मोबाइल को रखूँगी मैं। ये है हमारा स्टैंड छोटा सा, इस पर रखेंगे तब बनाएंगे। गरीब लोग क्या करेंगे, सही है कि नहीं, क्या करें, जैसा ही वैसा बनाए। पहले तो मैं इसको कर लूँगी, इसमें मोटे दिखते हैं तो मोटे तो नहीं है, 59 वजन वेट है, 59 ज़्यादा होता है। ये देखो इसको छील लेंगे हम पहले, तो आप लोग कैसे बनाते हो बताना। ये सब छील लेते, खाली एक परत रेंग देते हैं। ये देखो उसके बाद में क्या करूँगी कि गैस पे ये नीचे बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, इसलिए मैं पहले ये प्लेट को यहाँ रखूँगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्लेट को यहाँ रखूँगी ताकि ये जो इसका भी जो बाल बाल जो रहेंगे ना, ये वो देखो पूरा गैस खराब नहीं हो। ये मैंने एक तो पॉपकॉर्न रख दिया, इसको पॉपकॉर्न भी बोलते भुट्टे भी बोलते आप लोग क्या बोलते, और एक तरफ मैंने दूध एक और सेक लिया बड़े भुट्टे का। फिर उसके बाद इसके पापा का और छोटे बेटे का, बस सिर्फ 4 ही लेके आए हैं, 2 और ज़्यादा मिलाते हैं। इसकी मैंने सब्जी भी आप लोगों को शेयर करी थी, और आप देखती नहीं तो मैं क्या करूँ। इसकी सब्जी बनाने के लिए चटपटी सब्जी बहुत टेस्ट लगती है, नहीं टेस्ट लगती थी कहे बताए। इसके बाल इसकी भी बोले दवाइयाँ बनती हैं, बाल की भी दवाई बनती है। अब इसको भी मैं रख दूँगी, इसकी भी एक एक पर तरेंगी। और ये यहाँ पे रख दिया, ये वाला दोनों एक साथ सिक जाएंगे और साथ में दूध भी गर्म हो जाएगा और चाय भी बन जाएगी। और उसके बाद ये मैं बाहर करके आती हूँ, गेट खोलना पड़ेगा, फेंक के आती हूँ कम से कम बाहर। अभी तो यहीं रख देती हूँ, यही चलनी रहती है। आफ्टरनून में भी कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है, एक घर की ओर फेंकना ऐसा रहता ही है, क्या करें। अभी से देखो 4 o'clock हुए हैं और बहुत ज़्यादा धूप का मौसम हो गया है,
ये ब्लॉग देखो आज डालूंगी, आज ही शुक्रवार और दिनांक है आज 30 सितंबर। आ जाओ आप लोग भी चाय के साथ पॉपकॉर्न खाने, अब चाय बनाऊंगी। चलो बने रहना ब्लॉग में। कहाँ क्या नहीं कर सकती, देखो इधर मिल्क गर्म हो रहा है, इधर पॉपकॉर्न हो रहे हो, इधर बर्तन भी मसा रहे, ये देखो आधे मैंने मस भी दिए हैं पूरी, बस खाली सिर्फ धोना है, देखा से धो दिए बस से मुझे बनाना पड़ता है ब्लॉग। चलो ठीक है, आगे और ब्लॉग में बने रहना। जाएगा मसाला, एक नंबर मसाला गया ये चाय का मसाला, और देख लो पॉपकॉर्न कितने बढ़िया हो गए। ठीक है, गड़बड़ बोटी भी कर रही हैं, बहुत बढ़िया हो गए, सीख गए मेरे पॉपकॉर्न, साथ में चाय भी बन गई। और इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग देती है।